हिमांशु जी कीजिए शुभ शुरुआत, बताइए आपकी बेहतरीन पिक लॉन्ग टर्म के लिहाज से। सबसे पहले गुड मॉर्निंग अनिल जी, अपनी पिक बताने से पहले एक बार पिछले वीक का मैं एक बार अपडेट रखना चाहूंगा। हमने यहाँ पर पॉलीमेड में खरीदारी की राय दी थी लगभग 375 के लेवल्स पर, तो उसमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिली, 432 रुपए तक के हाइज लगे। साथ ही साथ बिरला सॉफ्ट में भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी, हालांकि काफी एक्सपर्ट्स की तरफ से उसमें रिकमेंडेशन था, उसमें भी आज के ही सेशन में 120 रुपए के ऊपर के हाइज देखने को मिले। उससे पहले वीक के सिंजीन में यहाँ पर खरीदारी दी थी जिसका 460 रुपए का टारगेट दिया था, तो आज वो लगभग 470 रुपए के ऊपर कर रहा है। तो ये कुछ एक अपडेट था। अब अगर आज की यहाँ पर बात की जाए तो लॉन्ग टर्म में मैं जो सबसे पहले स्टॉक रिकमेंड करूंगा, स्टॉक का नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स। कंपनी जो है बेसिकली वो पर्सनल और अपना होम केयर उसमें लिमिटेड है, शामिल है। कंपनी यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है, और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 2010 में यहाँ पर एक यूएस की ट्राई के नाम की कंपनी भी यहाँ पर इन्होंने ओन करी, और उसके बाद यहाँ पर लोकली और डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली सब जगह पर यहाँ पर एक अच्छे ब्रांड की तरह से फेमस है। इंटरेस्टिंगली अनिल जी, यहाँ पर अगर स्टॉक का यहाँ पर अगर आप पिछले कुछ क्वार्टर्स का अपडेट देखें तो यहाँ पर FIIs DIIs दोनों की तरफ से ही क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग में इंक्रीज देखने को मिला है, वहाँ पर लगातार खरीदारी देखने को मिली है, बहुत ही लो डेट है कंपनी में। और इन फंडामेंटल्स के बाद अगर टेक्निकल सेटअप की बात की जाए तो यहाँ पर गैलेक्सी सर्फेक्टेंट 1600 रुपए के कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर एक बड़े ब्रेकआउट के लिए तैयार है। हिमांशु जी बताइए आपका स्टॉक आज के लिए पोजिशनल तौर पर। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू। एक स्टॉक जो मुझे आज यहाँ पर पसंद आ रहा है, स्टॉक का नाम है सुमितोमो केमिकल्स, सुमी कैम टिकर है। स्टॉक हायर लेवल से कंसोलिडेशन दिखाने के बाद यहाँ पर मुझे लगता है एक नई अपमूव के लिए तैयार है। स्टॉक करंटली 273-274 रुपए के आसपास काम कर रहा है। स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप है वो काफी पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर यह स्टॉक जैसे ही 278-280 रुपए के ऊपर निकलेगा, ये बहुत नियर टर्म में 300-320 रुपए तक के टारगेट्स यहाँ पर दिखाता हुआ नजर आएगा। हमने देखा है कि पास्ट में भी ये स्टॉक लगातार एक अच्छी तेजी दिखाता हुआ नजर आया, और पिछले कुछ दिनों में अपनी शॉर्ट टर्म क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पर मुझे लगता है कि जिस तरह का टेक्निकल सेटअप और जिस तरह का यहाँ पर इंडिकेटर्स का सेटअप है, मुझे लगता है कि दोनों ही यहाँ पर काफी फेवरेबल है, और सेक्टर भी ये काफी सपोर्टिव है यहाँ पर। तो मुझे लगता है सुमितोमो केमिकल्स में करंट लेवल्स पे 272-274 की रेंज में खरीदारी की जा सकती है। 265 रुपए का यहाँ पर एक मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा, और मुझे लगता है कि 305 और 320 ये दो टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे। अनिल जी, स्टॉक जो है जो मैं आज मीडियम टर्म बाय के हिसाब से यहाँ पर देना चाहूंगा, स्टॉक का नाम है प्रेस्टीज एस्टेट्स। स्टॉक रियल एस्टेट एक डेवलपर कंपनी है, एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, SEZ, हॉस्पिटैलिटी, सब जगह में इनका प्रेजेंस है। स्टॉक के फंडामेंटल्स भी यहाँ पर काफी अच्छे हैं, 2 साल में लगातार यहाँ पर प्रॉफिट आते हुए देखने को मिले हैं, कैश फ्लोज भी इंप्रूव हुआ है। इंटरेस्टिंगली FIIs की तरफ से यहाँ पर लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो होल्डिंग है वो बढ़ते हुए नजर आई है। साथ ही साथ जो मेरे रडार पर ये बेसिकली इसलिए आया है कि यहाँ पर जो टेक्निकल सेटअप है वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव है। स्टॉक ने अपनी 3-वेव जो डिक्लाइन थी ABC जिसमें हम देखते हैं इसको, वो करेक्टिव पैटर्न यहाँ पर खत्म किया है, और पिछले 2 दिनों का जो प्राइस एक्शन है जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर एक रिकवरी देखने को मिल रही है, वहां से ये कन्फर्म हुआ है कि वापस से स्टॉक अपने एक 5-वेव इम्पल्स में चलने को बिल्कुल तैयार है, और यहाँ से आने वाले दिनों और आने वाले हफ्तों में यहाँ से एक तरफा तेजी देखने को मिलेगी। इंटरेस्टिंगली अनिल जी, मार्च के महीने के बाद गिरावट के बाद भी ये स्टॉक एक वन ऑफ द लीडर्स था जो कि बहुत जल्दी 140-145 के लोज लगाने के बाद लगभग 250 रुपए तक गया था, और उसके बाद यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से अब वापस से एक सेकंड लेग ऑफ वेव जो अप वेव है वो तैयार है, और आने वाले दिनों और आने वाले हफ्तों में ये पॉजिटिवली सरप्राइज करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर प्रेस्टीज एस्टेट्स में मैं खरीदारी की राय दे रहा हूँ 260 रुपए तक के कंजर्वेटिव टारगेट्स के लिए। खरीदारी का जोन रहेगा 190-195 के आसपास, 175 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। हिमांशु बताइए आज का आपका शॉर्ट टर्म पिक। जी अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक जो मैं आज रिकमेंड करूंगा, स्टॉक है हेक्सावेयर। स्टॉक के बेहद शानदार यहाँ पर रिजल्ट्स नंबर्स रिलीज हुए हैं कल के सेशन में, हमने देखा कि काफी पॉजिटिव यहाँ पर जो फाइनेंशियल्स हैं वो यहाँ पर निकल कर आए। साथ ही साथ टेक्निकल फ्रंट्स की अगर बात करी जाए अनिल जी, तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन थी जिसको यहाँ पर स्टॉक ने इस वीक यहाँ पर जिसके ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, और उसके ऊपर यहाँ पर सस्टेन भी कर रहा है प्राइसेस। मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से अभी और दमखम दिखाने अपसाइड में दमखम दिखाएगा। 405-425 रुपए के दो नियर टर्म टारगेट्स यहाँ पर हेक्सावेयर में आते हुए देखने को मिलेंगे, तो करंट लेवल्स पर लगभग 370-372 के लेवल्स पे हेक्सावेयर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 360 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से लगाया जा सकता है।